हाँ तो कैसे हो बेंटन सुपर फैंस। हाँ तो सभी का एक और बार कम है अल्टीम बैन क्रिश के एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले डायमंड एलिमेंट्स वर्सेस आइस एलिमेंट कि इन दोनों एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट ज्यादा पावरफुल है। तो इसके पहले वाले वीडियो में फायर वर्सेस वाटर एलिमेंट का वर्सेस किया था, तो इस वीडियो में हम लोग वर्सेस करेंगे डायमंड एलिमेंट वर्सेस आइस एलिमेंट्स कि इन दोनों एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट ज़्यादा पावरफुल है। और हाँ, हमारे चैनल पे काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, ऑलमोस्ट 1 वीक तो कंप्लीट हो गया और मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। तो यार आपको बता दूँ यार, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो इस वजह से गाइस मैं थोड़े वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ। तो यार आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, और ये भी वीडियो को मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम निकाल के बना रहा हूँ। तो अगर इतना टाइम निकाल के अगर वीडियो बना रहा हूँ तो यार आपका तो फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक करना। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और हाँ, अगर आप बेंटन के रियल वाले फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे गाइस आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो गाइस ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए आज की हमारी ऑसम से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं डायमंड एलिमेंट से जो एलियन लेने वाला हूँ वो है डायमंड हेड और क्रोमा स्टोन, और मैं आइस एलिमेंट से जो एलियन लेने वाला हूँ वो है आर्टिकोना और बिग चिल। हाँ, मैं दोनों ही एलिमेंट से दो दो एलियन ले रहा हूँ, डायमंड एलिमेंट से क्रोमा स्टोन और डायमंड हेड को, और आइस एलिमेंट से बिग चिल और आर्टिकोना को, जो कि दोनों आइस टाइप एलियन है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों का वर्सेस करेंगे इन दोनों से। तो सबसे पहले बात करते हैं डायमंड एलिमेंट्स के बारे में। तो डायमंड एलिमेंट्स में जो एलियन है वो है डायमंड हेड। तो डायमंड हेड के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो डायमंड हेड की स्पीसीज है पेट्रोसेपियन, और इसका होम वर्ल्ड है पेट्रोपिया, और डायमंड हेड की बॉडी पूरी क्रिस्टल से बनी हुई है। आई नो आप सभी लोगों को मालूम होगा। और डायमंड हेड को सबसे पहले हमें दिखाया था बेंटन क्लासिक में, और इसकी फर्स्ट अपेयरेंस हमें दिखाई गई थी एंड देन देयर वेयर 10 एपिसोड में। और हाँ, आपको एक बात बता दूँ कि डायमंड हेड मेरा अभी तक में बेंटन के सारे एलियन में सबसे ज़्यादा फेवरेट एलियन है। तो आई नो आप लोगों को पता ही होगा नहीं। और शायद आपका भी फेवरेट एलियन होगा डायमंड हेड। नहीं छोड़ो ये सब छोड़ो, चलो हम बात करते हैं डायमंड हेड की पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में। हाँ तो जो इसकी सबसे पहली पावर है वो है क्रिस्टल काइनेसिस, मतलब जब उन्हें टच करके कहीं से भी डायमंड रिलीज कर सकता है, मतलब निकाल सकता है। और डायमंड हेड अपनी हैंड को किसी भी वेपन में कन्वर्ट कर सकता है बहुत ही आसानी से, और जो उसके क्रिस्टल रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, जो कि किसी को भी बहुत ही आसानी से हार्म कर सकते हैं। और आपको इसकी खास पावर बताऊं कि अपनी बॉडी को कहीं से भी रीजनरेट कर सकता है, मतलब इसकी बॉडी कहीं से भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये वापस अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है। हाँ पर ये भी लिमिटेड टाइम तक ही कर सकता है, अगर इसकी बॉडी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये रीजनरेट नहीं कर पाता, जैसे कि हमने एलियन फोर्स वाले एक एपिसोड में देखा था। और डायमंड हेड को टाइम रेस, लेजर अटैक और एसिडिक अटैक से मारा नहीं जा सकता, मतलब इससे इन तीनों अटैक से कुछ भी नहीं होता, और हाँ फायर से भी कुछ नहीं होता। हाँ तो चलिए बात करते हैं डायमंड एलिमेंट्स का सेकंड एलियन के ऊपर। तो डायमंड एलिमेंट्स के जो सेकंड एलियन है वो है क्रोमा स्टोन, जिसे हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था बेंटन एलियन फोर्स वाले सीरीज में। और इस एलियन की जो स्पीसीज है वो है क्रिस्टल सेपियन, हाँ वही डायमंड हेड की स्पीसीज है, और उसका होम वर्ल्ड भी सेम ही है पेट्रोपिया। और हाँ आपको इस एलियन के सबसे खास बात बताऊँ कि क्रोमा स्टोन का DNA खाली एक ही है, जो कि सगलाइट, जिससे क्रोमा स्टोन का DNA स्कैन किया गया था, मतलब पूरे बेंटन यूनिवर्स के अंदर खाली दो ही क्रोमा स्टोन है, एक सगलाइट और एक अपना क्रोमा स्टोन जिसमें बेंटन इंसान ट्रांसफॉर्म होता है। और क्रोमा स्टोन के हमें फर्स्ट अपेयरेंस दिखाई गई थी ऑल डेट ग्रीटर्स एपिसोड में। तो चलिए इस एलियन की कुछ पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। तो इसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, जंपिंग और स्पेस सर्वाइबिलिटी, और क्रोमा स्टोन फ्लाई भी कर सकता है, और क्रोमा स्टोन अपने बॉडी से अल्ट्रा वायलेट एनर्जी बीम भी फायर कर सकता है, और ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है, मतलब ये किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको अपना अल्ट्रा वायलेट एनर्जी बीम में फायर कर सकता है, यानी शूट कर सकता है। और क्रोमा स्टोन पूरा क्रिस्टल का बना हुआ होता है। हाँ बस ये दुख की बात है कि क्रोमा स्टोन डायमंड हेड जैसे अपने क्रिस्टल शूट नहीं कर सकता, भले ये क्रिस्टल का बना हुआ है। हाँ तो हमने बात तो कर लिया डायमंड एलिमेंट्स के दोनों एलियन के बारे में, तो हम बात करते हैं आइस एलिमेंट्स के दोनों एलियन के बारे में। तो हाँ तो सबसे पहले बात करते हैं आइस एलिमेंट से आर्टिकोना के ऊपर। हाँ तो जो इनकी स्पीसीज है वो है पोलार मैन जाडेल, और इनका जो होम वर्ल्ड है एक्स नली। हाँ तो इस एलियन को मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था बेंटन क्लासिक सीरीज में, और हाँ मुझे पता है कि इस एलियन का DNA हमारे बेंटन क्लासिक वाले बेंटेंसन के पास नहीं था। हाँ पर बेंटन 10,000 वाले क्लासिक वाले बेंटेंसन के पास था इस एलियन का DNA, और इस एलियन को मैं फर्स्ट टाइम उसी के पास देखा गया था। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकोना की कुछ पावर्स और एबिलिटीज के ऊपर। तो आर्टिकोना अपने बॉडी से फ्रीज रेस शूट कर सकता है, मतलब वो किसी को भी अपने फ्रीज रेस से जमा सकता है। और इस एलियन के पास इनहेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सिंग स्पीड, जंपिंग की पावर है,
और आर्टिकुआना किसी भी वॉल में बहुत ही आसानी से चल सकता है और इसकी स्पीड काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है अगर ये अपने आइस बीम फायर करता है और उस पर अगर स्लाइड करता है तो काफी ज्यादा इसकी स्पीड इनहेंस हो जाती है। और तो और आर्टिकुआना की आइस बीम काफी ज्यादा पावरफुल होती है जिसका मैं एक नमूना बेंटन ओमनीवर्स में देख ही लिया था कि उसने जलते हुए लावा को एक सेकंड में पिघला दिया था। तो इससे ही पता चलता है कि यार आर्टिकुआना काफी ज्यादा पावरफुल है। और तो और आर्टिकुआना के पास शार्प क्लोज और तीत भी होती है। तो और आर्टिकुआना के बॉडी में काफी ज्यादा बड़े बड़े स्पाइक्स भी है। तो चलो यार मैंने आपको आर्टिकुआना के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया, तो अब हम बात करते हैं इसके दूसरे भाई आइस एलिमेंट यानी बिग चिल के बारे में। तो बिग चिल जिसे हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था बेंटन एलियन फोर्स वाले सीजन में और इस एलियन की फर्स्ट अपीयरेंस हमें दिखाई गई थी केविन बिग स्कोर एपिसोड में। और सच में इसकी पावर काफी ज्यादा औसम थी, मतलब ये अपने बॉडी को इंटेंजिबल कर सकता है और ये एक सेकेंड एलियन था जो कि अपने बॉडी को इंटेंजिबल कर सकता था घोस्ट वीक के बाद। और सबसे इसकी कूल पावर ये बताऊं कि अपने बॉडी को इंटेंजिबल करने के बाद ये किसी के भी आसपास से गुजरता था तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता था। तो इसकी काफी अधिक खास पावर थी जो कि मुझे काफी अधिक कूल पावर लगती थी इसकी। चलो पहले जान लेते इस एलियन की भी स्पीसीज और इसके होम वर्ल्ड के बारे में। तो इसकी स्पीसीज है नेग्रोफ्रेगियन और इसका होम वर्ल्ड है क्लाइमस। तो चलो बात कर लेते हैं इस एलियन के कुछ पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो इसके पास कुछ पावर है जैसे कि स्नैन स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी एजिलिटी स्पेस सर्वाइवेबिलिटी फ्लाइंग हाँ शार्प क्लोज इंटेंजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग टीथ जिसका हमने एक नमूना तो एलियन फोर्स वाले एपिसोड में देखा था कि इसने काफ़ी ज़्यादा भारी से गोल्ड से मेटल को खा लिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी और स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी था। तो इसने अपने स्ट्रॉन्ग टीथ से खा लिया था तो इससे ही पता चलता है कि इसकी टीथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये किसी को भी टच करके उसको फ्रीज कर सकता है और बिग चिल कैसे भी टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है जिसका हमें एक नमूना उसी एपिसोड में दिखा दिया था कि बिग चिल ने कितने ज़्यादा गर्म गर्म लावा को पी लिया था। तो इससे ही पता चलता है कि बिग चिल कैसे भी टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है बहुत ही आसानी से और ये अंडर वाटर ब्रीथिंग भी कर सकता है। तो चलो यार मैंने आपको बता दिया बिग चिल के बारे में। हाँ तो मैंने आपको आइस एलिमेंट्स के भी दोनों एलियन के बारे में बता दिया। मैंने आपको दोनों ही एलिमेंट्स के बारे में बता दिया डायमंड एलिमेंट्स और आइस एलिमेंट्स। हाँ तो अब हम वर्सेस करते हैं कि इन दोनों एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट ज़्यादा पावरफुल है। हाँ तो सबसे पहले फाइट करते हैं आर्टिकुआना वर्सेस क्रोमास्टोन के बीच में। तो अगर आर्टिकुआना वर्सेस क्रोमास्टोन के बीच फाइट होगा तो इसका साफ विनर पता चलता है कि आर्टिकुआना आराम से इस मैच को विन कर जाएगा क्योंकि आर्टिकुआना किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही जल्दी आइस में कन्वर्ट कर देता है आइस बीम से अपने। तो क्रोमास्टोन को देखते ही आइस बीम फायर कर देगा और क्रोमास्टोन को आइस के अंदर जमा देगा। और आपको मैंने ये भी बताया था कि आर्टिकुआना की आइस बीम बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है पर तभी मान लो कि क्रोमास्टोन अगर उसकी आइस बीम को तोड़ के बाहर आ गया तभी भी क्रोमास्टोन उसको हरा नहीं पाएगा। और क्रोमास्टोन इतना ही पावरफुल नहीं है कि इसकी आइस बीम को तोड़ के वो बाहर आ पाए क्योंकि इसकी आइस बीम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। हाँ पर क्रोमास्टोन भी इसको अल्ट्रा वॉलेट बीम से भी मार सकता है पर यही बात है कि पहले कौन अटैक करेगा। अगर पहले आर्टिकुआना अटैक करेगा तो आर्टिकुआना इस मैच को विन कर जाएगा और अगर क्रोमास्टोन अगर पहले अटैक किया तो वो विन कर जाएगा कि आर्टिकुआना के पास खाली एक ही स्पेशल पावर है आइस पावर। तो यार इन दोनों में किसी को विनर नहीं बना रहा हूँ तो अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इन दोनों में कौन जीत सकता है क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है या क्रोमास्टोन भी जीत सकता है या आर्टिकुआना भी जीत सकता है। तो चलो सेकंड बैटल करते हैं। सेकंड बैटल हम करेंगे डायमंड हेड और बिग चिल के बीच में कि इन दोनों के बीच फाइट हुआ तो कौन जीतेगा। तो इन दोनों के बीच में अगर फाइट हुआ तो आराम से बिग चिल इस मैच को विन कर जाएगा। हाँ बिग चिल इस मैच को विन नहीं कर पाता अगर उसके पास इंटेंजिबिलिटी की पावर नहीं होती पर बिग चिल के पास इंटेंजिबिलिटी की पावर है मतलब वो आराम से इंटेंजिबल होकर डायमंड हेड को बहुत ही तरह फ्रीज कर देगा। अगर और अगर डायमंड हेड अगर उसकी आइस को वापस से ब्रेक कर देगा तो वापस से ही बिग चिल वही कर देगा उसको परेशान कर देगा जिससे डायमंड हेड काफी थक जाएगा और वो हार जाएगा इस मैच को क्योंकि वो बिग चिल को टच ही नहीं कर पाएगा और उस पर अटैक करने की तो दूर की बात। तो इन दोनों के बीच फाइट होगा तो आराम से बिग चिल इस मैच को विन कर जाएगा। तो मैंने फर्स्ट राउंड में तो दोनों को ही मतलब किसी को भी रैंकिंग नहीं दिया था और सेकंड राउंड में मैंने बिग चिल को इस मैच में जीता दिया था मतलब इस हिसाब से आइस एलिमेंट्स के एक पॉइंट होते हैं जो कि बिग चिल लेके आया। हाँ तो इन दोनों में आइस एलिमेंट्स विन कर गए हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आज के इस वीडियो में बात कर ली आइस एलिमेंट्स वर्सेस डायमंड एलिमेंट्स के बारे में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो क्या कर रहे हो इस वीडियो को जाओ अभी एक लाइक कर देना। और हाँ आज की इस वीडियो को लाइक है 500 लाइक है। तो यार मैंने इसके पहले वाले वीडियो में टारगेट दिया था 500 लाइक गेम का तो यार आपने तो उसको 3 घंटे में कंप्लीट कर दिया था तो इस बार देखते हैं यार आप कितने जल्दी इस लाइक गेम को कंप्लीट करते हो। तो
तो जल्दी जाओ बेंटन सुपर फैंस और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर बेंटन के वीडियोस आपको अगर देखना पसंद है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके और भी एलिमेंट्स का वर्सेस मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो अब भी जाओ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और भी मुझे वर्सेस सजेस्ट करो एलियन एलिमेंट्स के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। चले मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक और नए इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक गाइस बाय बाय।